गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा है। इजरायली टैंक हमास के लड़ाकों को खदेड़ते हुए अब गाजा के मध्य और दक्षिणी हिस्से में गहराई तक घुस चुके हैं। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को इजरायली हमलों में पूरे क्षेत्र में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध विराम पर सहमति बनाने के लिए दबाव डाला था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद स्थितियां और बिगड़ गईं। बता दें, महीनों से चल रही वार्ता में बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गाजा के डॉक्टरों के अनुसार उत्तरी गाजा के बेतलहैया में एक घर पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि मध्य गाजा पट्टी के अलमगाजी कैंप में एक स्थानीय पत्रकार समेत 6 लोगों की जान चली गई है। दक्षिणी गाजा के विभिन्न हिस्सों में 5 और लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि उसने मध्य गाजा में देर अल बलाह और दक्षिण में खान यूनिस में अपने हमले तेज किए हैं। सेना ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में दर्जनों सैन्य ठिकाने नष्ट किए गए तथा हथियार बरामद किए गए और आतंकवादियों को मार गिराया गया है। बुधवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी क्षेत्र का दौरा किया था, लेकिन किसी भी ठोस नतीजे के बिना उन्हें वापस लौटना पड़ा। हमास ने स्पष्ट किया है कि वह ऐसा समझौता चाहता है जिसमें गाजा में युद्ध समाप्त हो और इसराइल के साथ विदेशी बंधकों की रिहाई हो सके। बदले में इसराइल को कई फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा, लेकिन यह समझौता न हो पाने के लिए हमास इसराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। इसराइल के मुताबिक बंधकों और कैदियों की अदला बदली के लिए अगर कोई युद्ध विराम होता भी है तो वह केवल अस्थायी होगा। गाजा के निवासियों का कहना है कि इजरायली टैंक अब खान यूनिस के अलकरार और हमार क्षेत्र में पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां के लोगों को मजबूरी में अपने घरों और तंबुओं को छोड़कर भागना पड़ रहा है। इस बीच टैंकों और ड्रोनों से भारी गोलाबारी हो रही है, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। राइटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन लगातार विस्तार हो रहा है। इसराइल की रणनीति हमास को कमजोर कर आगे बढ़ने की है, लेकिन इस बीच आम नागरिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। युद्ध कब रुकेगा इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है और जो बाइडेन की ओर से युद्ध विराम की कोशिशें भी विफल होती नजर आ रही है। वहीं बुधवार को लेबनान के सीडोन में ईमान अली मस्जिद के पास एक इसराइली ड्रोन ने एक वाहन पर हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने हमले में संभवतः एक वरिष्ठ हिजबुल्ला आतंकी को निशाना बनाया। अभी तक आईडीएफ द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। घटना के बारे में आगे की जानकारी का इंतजार है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब उसी दिन हिजबुल्ला ने इसराइल पर 50 से अधिक रॉकेट दागे थे, जिसमें इसराइल नियंत्रित गोलान हाइट्स में कई निजी घर नष्ट हो गए थे। इसराइल के मीडिया प्रवक्ता ने कहा, चमत्कारिक रूप से हिजबुल्ला के इस हमले में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, सिर्फ एक 30 वर्षीय व्यक्ति को मध्यम स्थिति में और पूरी तरह से होश में पाया गया। उसके शरीर पर छर्रे लगे हुए थे तथा कई लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला समूह ने कहा है कि ये हमला मंगलवार रात लेबनान में इजरायली हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 19 लोग घायल हुए थे।